नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। एनडीटीवी एमपीसीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म गदर 2 400 करोड़ रुपए में शामिल होने वाली है, और फिल्म की लीड कास्ट उत्कर्ष और सिमरत कौर आज हमारे साथ में, हम उनको आपसे मिलवाते हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। सबसे पहले तो आपकी फिल्म 400 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने वाली है, मतलब ये जो सौभाग्य है हर किसी को नहीं मिलता है, तो आप अपने आप को कितना लकी समझते हैं आप दोनों? जी आज ही इनफैक्ट फिगर्स आए हैं कल के, तो 400 प्लस हो ही गया है। एंड सो या हम यही बात कर रहे थे कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि बहुत बड़े बड़े कलाकारों को पूरी जिंदगी में या बहुत लेट अपने करियर के मुकाम पे ये सब उपलब्धियां हासिल होती हैं, बट हमें जो ये अभी मिल चुका है, हमें कितना और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर ईश्वर ने ये कृपा की है हम पे, तो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल होना होगा और आगे और अच्छी फिल्में और अच्छी कहानियों के साथ लोगों को और रोमांचित करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी एक सुपर पावर दे दी गई हमें। मैं तो यही कहूंगी कि 400 करोड़ से ज्यादा मुझे मेरी डेब्यू में इतना प्यार मिल गया है। 400 करोड़ तो चलो ठीक है, बट डेब्यू में इतना प्यार मिल गया है वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो यार इतना जनता का प्यार मिल गया है 400 के, आप तो बस आगे वाले पिक्चर्स में और बस। जी सिमरत, आप इतनी मतलब लीडिंग एक्ट्रेस का हो चाहे न्यू कमर्स एक्ट्रेस का हो, उन सबको पछाड़ के आप मुस्कान बनी, इसके पीछे का एक जी, क्या रहस्य है? इसके पीछे का रहस्य यही है कि मुकेश छाबरा जी और अनिल सर ने मेरे पे भरोसा किया कि मैं उनकी मुस्कान बन सकती हूँ। छाबरा सर ने मेरा ऑडिशन लिया, फिर बाद में अनिल सर ने मेरा ऑडिशन लिया, तो आई थिंक सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने कुछ तो देखा होगा इतनी लड़कियों में, कि उनको लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो सारा श्रेय उनको जाता है। मुस्कान, आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि 2001 में आपने गदर फर्स्ट पार्ट आपने पेरेंट्स की गोद में बैठकर देखा था। क्या जी आपने सोचा था कभी कि जी गदर 2 में एज ए जी लीड एक्ट्रेस आ पाएंगी, और वो भी 400 करोड़ की फिल्म? मतलब ये तो शुगा था आंकड़ा है, पता नहीं, आई एम श्योर कि ये 600 700 करोड़ RRR जैसी फिल्मों को पछाड़ेगी। क्या बोलेंगी आप इसके बारे में? मैं यही बोलते आ रही हूँ कि एक तो होता है कि आप कोई सपना देखते हो और वो पूरा हो जाता है तो आपको खुशी होती है, बट मैंने तो कभी ऐसा सपना देखा तक नहीं था। तो ये मेरे सपने से ज्यादा, मेरी दुआओं से ज्यादा कुछ मुझे भगवान ने दे दिया है, तो बस मैं और कुछ नहीं, मैं बस थैंकफुल हूँ। मुझे इतना प्यार मिल गया पहली ही पिक्चर में, और जिस छोटी सी बच्ची ने वो गदर 1 की शूटिंग देखी थी और आज वो उसी पिक्चर की पार्ट है, तो आई थिंक सबसे मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि इसी पिक्चर से डेब्यू करना है, बस और कुछ उत्कर्ष, नहीं। अनिल शर्मा जी का क्या रिएक्शन है आपको ऑन द स्क्रीन एक 400 करोड़ की फिल्म में देखकर? मींस एक मुझे टाइटल याद आता है, पप्पू पास हो गया, पर मैं यहाँ बोलूंगा उत्कर्ष पास हो गया। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पापा का कोई रिएक्शन नहीं है। पापा कुछ वैसे ना, मैं ज्यादा कुछ रिएक्ट करता हूँ ना पापा ज्यादा रिएक्ट करते हैं। मेरे लिए तो इनफैक्ट जिस दिन प्रीमियर के बाद ही जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि बहुत बड़ी हिट होगी पिक्चर, तो और जिस तरीके से पब्लिक का प्यार आ रहा था, मेरे मुझे मुझे जो प्रीमियर के बाद वाला दिन और प्रीमियर के पहले एक दिन वाले दिन में कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। मेरे लिए यही था कि अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कौन सी अच्छी कहानी ढूंढ सकता हूँ मैं, कौन सी अच्छी कहानी का हिस्सा बन सकता हूँ, वही दिमाग में चल रहा है और अभी तक वही चल रहा है। ठीक है, अब ये जो सक्सेस मिली है, जो खुशियां मिली है, इनको इनके बारे में बात करके अच्छा तो लग रहा है, बट मन जो है मेरा वहां पे ही है अटका हुआ कि अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट कहानियां जो मैं ऑलरेडी कुछ मैं कर रहा हूँ उनमें और कैसे बेहतर कर सकूँ। तो पापा भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते और मैं भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि सक्सेस फेलियर इस इंडस्ट्री का पार्ट है। आप ज्यादा खुश भी नहीं हो सकते, या ज्यादा दुखी भी नहीं हो सकते, आपको चलते रहना है। दैट्स इट। उत्कर्ष, खबर सामने आ रही है कि गदर 3rd पे भी काम स्टार्ट हो गया, चूंकि आप लीड एक्टर हैं, अनिल शर्मा जी के बेटे हैं, तो इस बात में कितनी सत्यता है ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता हमको। वेल, देखिए, गदर 1 के बाद भी लोग गदर 2 इमीडिएटली डिमांड कर रहे थे। अब गदर 2 के एंड में तो हमने 2 भी कंटिन्यूड लिख दिया है, और कई एक्टर्स को भी नहीं पता था, जैसे इनको भी नहीं पता था जब तक हाँ, इन्होंने पिक्चर थिएटर में जाके थिएटर में देखी नहीं देखी। ऑडियंस के साथ। तो आई थिंक सनी सर को पता था और बाकी जो भी एक्टर्स हैं उनको नहीं पता था। गदर 3 की जहां तक बात है, तो अब
शायद कुछ बातें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, वो जब शक्तिमान जी एकदम सर्टेन होके कहानी लाएंगे तब कुछ होगा, मेरा आप दो या क्या गली हो में भी भी सकता है, हो सकता है कुछ हो पाइपलाइन में, क्योंकि हमें इंटरव्यूज करने हैं इसलिए हमें बोला है, कुछ बताया नहीं गया कि गलती से कुछ निकल जाए। मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल उत्कर्ष, सबसे पहले आपसे कि आप आने वाले जी ट्रेंड पर रणवीर कपूर वरुण धवन जैसे ट्रेंडिंग एक्टर्स को क्या बीट देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं? क्या बोलेंगे आप इस बारे में? जी मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि रणबीर कपूर जैसे जो एक्टर्स हैं उनका तो काम देख के मैं खुद ग्रो हुआ हूँ, उनके काम से मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ, और वो सब मेरे से काफी सीनियर हैं इन अ वे कि मतलब ऐसे नहीं कि जैसे सनी सर सीनियर हैं, बट दे हैव बीन वर्किंग फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। 2007-2008 में रणबीर सर का डेब्यू हुआ था, सो ही इज डन वे मोर फिल्म्स देन मी एंड वे मोर स्टफ देन मी। आई एम ओनली 2 फिल्म्स ओल्ड एज एन अडल्ट, तो मेरे लिए अभी कोई कॉम्पिटिशन वगैरह या स्पर्धा की भावना से तो मैं इंडस्ट्री में उतरा ही नहीं हूँ, मैं तो लोगों को जोड़ने के लिए उतरा हूँ अपने से। तो अब जैसे फिल्मों में भी लोग कॉम्पिटिशन कर देते हैं, ओ माई गॉड और गदर में इतना कॉम्पिटिशन करने की कोशिश की लोगों ने, बट दोनों अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं मूवी पहले भी कह रहा था कि दोनों पिक्चरें चलेंगी तो इंडस्ट्री का भला होगा, एंड दोनों पिक्चरें तो अच्छी चल रही हैं, एंड अचानक एक सिनेमा का माहौल वापस आ गया है, उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। ऐसे ही सारे एक्टर्स अच्छी फिल्म देते रहे, सारे ही ब्लॉकबस्टर्स देते रहे, तो इंडस्ट्री और सारे एक्टर्स की भी लाइफ में अच्छी कहानियां आएंगी। या बिकॉज एज एन एक्टर हमें तो चाहिए कि सिनेमा सेलिब्रेट हो, हमारी तो हम खुद अच्छी वही पिक्चरें देखना चाहते हैं दूसरी एक्टर्स की मतलब गदर से तो हम शुरुआत हो गई चाहते हैं कि है, सब एक तरीके सब से गदर 2 से शुरुआत हो गई है जी सिनेमा सेलिब्रेट होना, क्योंकि गदर ने एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को एक जी होप दी है। राइट डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। सिमरत, मेरा एंड आपसे ये जो एक सेलिब्रेशन है, या बोलिए बोलिए, कीप कंटिन्यू बोलिए नहीं नहीं बोलिए 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 प्लीज, नहीं ये जो सिमरत। सेलिब्रेशन है यही चीज के लिए तो हम एज एन एक्टर्स आते हैं या सिनेमा में, थोड़ी थोड़ा डिले चल रहा है आई थिंक, बट सिमरत यू गो अहेड, आप पूछिए सिमरन, पूछिए पूछिए। ये फिल्म रिलीज होने के बाद इतनी एक हाइट पर पहुंचने के बाद ऐसा हो रहा है आपके साथ कि कंटिन्यूस आपको प्रोडक्शन हाउसेस के कॉल आ रहे हैं, आपको डायरेक्टर्स, आपको प्रोड्यूसर्स कॉल कर रहे हैं, सिमरन आप हमारे साथ काम करें, ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ आजकल? ऐसा हुआ है, बट ऐसे कुछ लोगों के एक्चुअली मुझे अभी कॉल मैसेज आ चुके आप हैं। 400 करोड़ की फिल्म की एक्ट्रेस बन चुकी हैं, रिमेम्बर इट। ये जनता को लगना चाहिए, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है ऑनेस्टली। जैसे इसने कहा कि जिस दिन हमारी पिक्चर फर्स्ट डे पे हमें पता लग गया कि मूवी हिट हो गई है, उसके बाद हम ऐसे हो गए कि अब नेक्स्ट क्या करें, क्योंकि उसने इतना मोटिवेट कर दिया है कि मोर देन एंजॉयिंग दैट मोमेंट, वो तो चलो वो तो आई थिंक अभी समझ में नहीं आएगा जो चीज होगी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होगी है मेरे साथ तो। बट मुझे क्या कहना, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, तो यही चल रहा है। और बहुत से लोगों के फोन मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि यार इतने बड़े लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं। तो बस अब देखते हैं आगे क्या बड़ा प्रोजेक्ट आता है। उत्कर्ष जी और सिमरत, हमसे जुड़ने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू सुमित जी, थैंक यू यू सो थैंक मच, थैंक यू। यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई हस्ती के साथ। नमस्कार। चलिए थैंक यू।